हेलो गाइस, मेरे चैनल मैक फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। एंड ये हमारा कुछ छठवा या सातवां ब्लॉग, दसवां ब्लॉग है। यस, कोविड की सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। आए दिन किसी न किसी के केसेस हमको सुनने के लिए मिल रहे हैं। फ्रॉम लास्ट आई गेस एक महीने से हम लोग भी कम्प्लीटली सील्ड पैक अपने घर में, कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। एंड फाइनली मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है। एंड स्टे हेल्दी, ईट गुड, दिस इज द ओनली मंत्रा ऑफ टुडेज लाइफ। अगर अच्छे से रहना है, विदाउट एनी डिजीज जीना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन आवर वर्कआउट, गुड डाइट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, फालतू बार मत बच जाओ। सो वर्कआउट करते हैं एंड फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जंपिंग एंड कार्डियो हमारी हो चुकी है, फिर भी स्ट्रेचिंग, फिर से करते हैं स्ट्रेचिंग। सो वर्कआउट हो चुका है हमारा ख़त्म। स्वेट देख ही सकते कितना ज़्यादा है। आज से स्टार्ट किया एंड वी डिड 50 सेकेंड्स बोल रहा हूँ। सो पानी पिए की बॉटल ले जाऊँ। ओ अब आई विल टेक शावर एंड शावर के बाद हम खाना वाना खाएंगे, मस्ती करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कैट जी आराम से लेटी हुई हैं चिड्डू के साथ। कैट जी ने खाना वाना बना लिया? बना लिया, नहीं बनाया अभी कुछ भी। तो अभी तो आज पास्ता बनाएंगे ना? हाँ, तो मम्मी के लिए खिचड़ी और हम लोग पास्ता खाएंगे। चलो बस फाइनली आज खाते हैं पास्ता, मज़ेदार। बट आज का जो पास्ता होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज बहुत लेस कैलोरी एंड फुल ऑफ वेजीज वाला पास्ता हम बनाएंगे। सो चलो नहा के आते हैं, देन उसके बाद आगे का अपना दिखाते हैं कि कैसे क्या बना रहे हैं हम लोग। स्टे ट्यून्ड। और हम नहा के आ गए हैं बाहर, पानी। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो नहा के आ गए हैं, खिसी आ जाती है। तो नहा के आ गए हैं बाहर, सॉरी नहा के आ गए। यार बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन आज तो गर्मी इतनी नहीं थी, आज तो मौसम थोड़ा अच्छा था। एंड जो गर्मी है कि नहीं है? नहीं गर्मी नहीं है आज, गर्मी नहीं है। तो फिर क्यों काफी गर्मी है? कॉज मेरी मर्जी। एंड बहुत नहा के बहुत अच्छा लगा यार, जब गर्मी नहीं होती है तब नहाने का तो फिर मज़ा ही अलग हो जाता है। कभी कभी नहाने वालों को बहुत मज़ा आता है, नॉट कभी कभी, वो ठंडियों में होता है। सो वर्कआउट करने के बाद तो नहा के और ज़्यादा ही रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। सो फिलहाल अभी इस टाइम पे हम लोग लॉक्ड हैं अपने घर में फ्रॉम लास्ट वन मंथ। बाहर की दुनिया नहीं देखी, इवन हम लोग ने अपने स्टेयर भी नहीं देखे, स्टेयर्स नहीं देखे, मेन गेट से हम लोग अपने बाहर नहीं निकले हैं। एंड क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट है, ऑल दो लाइक पॉलिटिशियंस एंड मैनी मोर पीपल दे आर सेइंग कि ऑक्सीजन एंड सिलेंडर्स एंड
ICU in beds and ये वो, बट बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है. सो उसमें सबसे बेस्ट यही है कि अपने घर से नहीं निकले, क्योंकि एक बार अगर ये प्रॉब्लम हो गई सो इन सारी चीज़ों को फेस करना बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं. आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी एंड आप उसी में घूमते रहोगे. एंड आई हैव सीन लूजिंग मैनी पीपल इन माई फैमिली, इन माई रिलेटिव एज वेल, एंड वो अपने बहुत से लोगों को खो रहे हैं. तो मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग जिससे हम अपने गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर हम फालतू बाहर नहीं निकलते हैं. ज़रूरी भी नहीं है, अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपको तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं देन यू कैन कम आउट. क्योंकि अभी जो सेकेंड स्ट्रेन जो अभी कोविड का चल रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा घातक चल रहा है, जिसमें यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा है. दिल्ली के केसेस थोड़े डाउन होना स्टार्ट हुए हैं, कानपुर एंड लखनऊ में भी केसेस डाउन हो रहे हैं, बट नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में यहाँ केसेस थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं. तो एनी विच वेज जो डेटा बताता है उसके अकॉर्डिंगली तो डॉक्टर्स एंड बहुत सारे लोग जो मतलब इन सारी चीज़ों में स्टडी करते हैं उनके अकॉर्डिंगली तो मतलब 10-10 लाख केस आ रहे हैं पर डे, एंड पीपल आर डाइंग 10 times मोर जितना डेटा रिफ्लेक्ट होता है. सो जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे कि यार घर पे रहो, सैनिटाइज रहो, हेल्दी हैबिट्स क्रिएट करो अपने अंदर, ईट गुड, डू वर्कआउट, स्लीप वेल, स्टे एट होम एंड यू विल बी फाइन. बस ये थोड़ा सा टाइम निकालने की ज़रूरत है कि हम ये टाइम कैसे निकालें, इस ईयर को कैसे निकालें. दैट्स इट. एज़ यूजुअल हमारे पास और कुछ दिखाने के लिए तो होता नहीं है, वही सेम थका पिटा पास्ता. सो फिर से वही, आज हम वेज वाला पास्ता बनाएंगे जिसमें हमारी सारी वेजीज होंगी, लेस ऑयल. और हाँ, हमने एक न्यू विच हमने पास्ता सॉस लिया है, ये पता नहीं है कैसा होगा. सो ये पास्ता सॉस है जो कि हम आज यूज़ करने वाले हैं, एंड लेट्स सी टेस्ट के साथ. ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होगा, बट स्पाइसी के लिए मॉम ने मेरी ऑलरेडी एक शेजवान सॉस बना के रखी हुई है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं थोड़ा सा स्पाइसेस बढ़ाने के लिए. और हमारा स्टार्ट हो चुका है पास्ता रेसिपी, जिसमें मम्मा खा रही हैं खिचड़ी. आपको नहीं अच्छी लगती पास्ता मैगी नूडल्स? नहीं. व्हाई? पता नहीं, नहीं अच्छी लगती. सब चाइनीज़ का खाना है? चाइनीज़ खाना नहीं अच्छा लगता है. ला फिर एक बाइट बोल के ला, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. लग रही है ना? हाँ. पहले तैयारी होती तब तक बन चुका होता ना. क्या पहले तैयारी होती? ये हमारी पास्ता की प्रिपरेशन स्टार्ट. ये बड़ा इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा और स्वाद अनुसार नमक, बट मुझे लग रहा है कि नमक कम है बिकॉज ऑफ सॉल्ट वी आर यूजिंग, वो उसके हिसाब से थोड़ा सा लेस है. पास्ता हो गया रेडी हमारा, एज यू कैन सी. ये करते हैं अपना ब्लॉग का एंड, एंड हम कंटिन्यू करेंगे अब अगली ब्लॉग. Just stay tuned, keep watching, loving us, and please जो वीडियो देख रहा है यार, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दो, दिस इज मैंडेटरी. सो सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन हमारी जो भी वीडियोज आती है उसके लिए. सो बाय बाय, गुड नाइट, शब रात्रि, शब्बा खैर, बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू.